सफलता पाने के पहले काफी संघर्ष किया। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए उन्होंने ड्राइवर का काम किया, साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी जी को टेबल टेनिस भी सिखाया। वे खुददार इतने थे कि जब मीना कुमारी जी ने सिफारिश कर उन्हें एक फिल्म में काम दिलाया तो उन्होंने उस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने दम पर सफलता पाना चाहते थे। बाद में सफलता पाने के बाद वे शूटिंग में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें अपने बच्चों के लिए भी समय न मिल पाता। उन्हें अपनी इस गलती का एहसास तब हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा पोलियोग्रस्त हो गया है। तब उन्होंने सोचा कि उनसे जो गलती हुई वो कोई और ना करे, और इसीलिए सभी को जागरूक करने के लिए उन्होंने कुंवारा बाप नामक एक फिल्म बनाई, जिसमें नायक एक पोलियोग्रस्त बच्चे को गोद लेता है। समाज को जागरूक करने वाले ये थे महान अभिनेता महमूद जी। यहाँ मैं एक और हास्य कलाकार का जिक्र करना चाहूंगी, जिन्हें उनकी काबिलियत और अभिनय की वजह से मुख्य नायक के बराबर का दर्जा प्राप्त था। बाकायदा उनके लिए मुख्य रूप से गाने लिखे जाते थे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी। जी हाँ, ये हास्य कलाकार थे जॉली वॉकर साहब। तो आइए देखते हैं इन दो महान कलाकारों के गीतों पर आधारित फिफ्थ ए के विद्यार्थियों की यह प्रस्तुति। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा कहाँ भाग रही तू मैं, क्या हुआ काले से डर गए क्या, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
Thank you.